पिछले जो 3 फरवरी से पूरा जो आंदोलन का जो स्थिति है और सरकार का जो रिप्रेशन जितना बढ़ा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये अभी ये लड़ाई और दमन के बारे में अभी कुछ भी छुपा नहीं, सब बाहर आ गई। स्पेशली वीडियो फुटेज और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो पब्लिसिटी, ये पूरा जो स्ट्रांग रिप्रेशन सरकार की, ये उनको पूरा पब्लिसाइज कर दिया। और लड़ाई, ये अभी सरकार का रिप्रेशन, ये हमारा पहचान है, लड़ाई का पहचान है। इसलिए ये बोल रहा हूँ मैं जो रिप्रेशन क्यों स्ट्रांग हो रहा है, क्यों इतने स्ट्रांग हो रहा है ना, लड़ाई और कन्फ्रंटेशन लोगों का जो मुकाबला, जो सामना करने का जो डेमोक्रेटिक मूड है, ये भी स्ट्रांग है। इसलिए सरकार का रिप्रेशन स्ट्रांग है। और फरवरी 3 से अभी तक जो भी बीच में हुआ, इट्स रियली डिप्लोरेबल। ये अभी जितने वायलेंस हुआ, ये हर वायलेंस अभी कॉरपोरेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर ये दबाव डालना, ये सरकार का तरीका है। और जो डिसार्म्ड निरस्त्र जनता कोई प्रमाण, कोई फुटेज, कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं, जे लोगों ने अस्त्र शस्त्र के साथ लड़ाई को गए, नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं, लेकिन सरकारी तरफ से ऐसे रिप्रेशन हो रहा है। लाठी का रिप्रेशन, गैस का रिप्रेशन और जबरदस्त फोर्स यूज करने का ये भी चल रहा है। सो इसलिए अभी कुछ नहीं, ये मैं बोलना चाहता हूँ जे जो डेमोक्रेटिक लड़ाई है, आंदोलन है, डेमोक्रेटिक लड़ाई का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का कुछ तो कुछ रेस्पेक्ट रहना चाहिए डेमोक्रेटिक लड़ाई के लिए। ये सरकार का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं। सो इसलिए वी डोंट एक्सपेक्ट जे ये सरकार और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये पूरा एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे जितने वायलेंस हुआ, वी डोंट एक्सपेक्ट। सो इसलिए हम लोग अभी मांग कर रहे थे जे पूरा एंटायर वायलेंसेस और इंसिडेंट्स जितने हुआ, जुडिशियल इंक्वायरी इनटू ऑल होना चाहिए जितने भी वायलेंस हुआ। अभी 4 लोग का लाइफ गया, डिसीज्ड 4 लोग है, और जितने पुलिस और प्रशासन का वायलेंस हुआ, ये सब का एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो बयान है, जो कैफियत है, और हमारा एंटीपोस्को का भी जो है, ये सब लेके एक जुडिशियल इम्पार्शियल इंक्वायरी होना चाहिए। सो फिर ऐसा भी मैं बोलना चाहता हूँ, भविष्य में हिंसा बढ़ेगा, ये एंटीपोस्को तरफ से नहीं, सरकारी तरफ से। इसलिए सरकार डिटरमिंड, जैसे मालूम पड़ता है, पूरा डिटरमिंड किसी भी तरीके से लैंड एक्विजिशन करेंगे। पार्लियामेंट चल रहा है, परवाह नहीं, असेंबली है, परवाह नहीं, डेमोक्रेटिक नॉर्म फॉर्म, महिलाओं बच्चों का रेजिस्टेंस, पीसफुल रेजिस्टेंस, डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, डिसार्म्ड पीपल का गैदरिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार के लिए। ये सरकार ऐसा मालूम पड़ता है पूरा डिटरमिंड लैंड एक्विजिशन करने के लिए। सो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पावरफुल कन्फ्रंटेशन का जो धारा है वो भी बढ़ेगा, जबरदस्त होगा। एंड जबरदस्त होने से वायलेंस जबरदस्त होगा, रिप्रेशन जबरदस्त होगा। सो आई अपील टू जितने मास मूवमेंट ग्रुप है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस है,
पॉलिटिकल पार्टीज है और सिविल सोसाइटी ग्रुप से मैं अपील करता हूँ, ये इशू को लेना चाहिए, नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में इशू को लेना चाहिए और एक कंसर्टेड प्रेशर डालना चाहिए सरकार के ऊपर। जनाई ये बेआईन लैंड एक्विजिशन बंद होना चाहिए। सो इसलिए ये अभी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और अगला दिन में ये एंटायर देश की और अंतर्जातीय एरेना में ये कैंपेन एक शुरू नहीं होता तो सरकार को ये पूरा एडवांटेज मिलेगा ये मूवमेंट को रिप्रेशन का। मौत हो गया और एक सीवियरली इंजर्ड है और ये महिलाओं का जो नेकेड प्रोटेस्ट वाला, ये दोनों मामले में सरकारी जो अपना सरकार का और पुलिस का दोनों का एक, और उसके साथ जो मुख्य धारा की मीडिया है, ये सब मिलके उसका एक अलग सा प्रचार कर रहे हैं और उसको अलग तरह से लोगों को पेश कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलते? इसलिए तो मैं डिमांड करता हूँ जो जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए ब्लॉक ब्लास्ट में। वी हैव नेवर अलाउड वायलेंस। क्रिस्टल क्लियर ये है, टोटल मूवमेंट का पीरियड में 8 साल पूरा ये एंटायर पीरियड ऑफ स्ट्रगल में हम लोग कभी भी हिंसा नहीं किया। अभी भी मानता हूँ जो हिंसा करने से मूवमेंट वीक हो जाएगी, बट कौन हिंसा किया, कौन बम ब्लास्ट किया, उनको पकड़ना चाहिए। सो इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी मांग करना ये मेरा सवाल है। और जो नेकेड प्रोटेस्ट, आई डोंट एग्री जे ये मास नेकेड प्रोटेस्ट नहीं, 1 or 2 इंडिविजुअल्स, दैट इज समथिंग स्पॉन्टानियस आउटबर्स्ट ऑफ द यू नो रैथ अगेंस्ट, एंगर अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, 1 or 2 एक्सप्रेशन जो भी हुआ। सो ये अभी सिंबलिक है, मैं बोलना चाहता हूँ ये अभी सिंबलिक है। जन द स्पॉट जो हुआ, इट वॉज नॉट ए प्रिपेयर्ड प्लांट मैसेज, बिकॉज प्लांट मैसेज होता तो मास न्यूटी पे। ये ऑन द स्पॉट जो भी हुआ, ये ऐसा रिप्रेशन चलेगा तो ये लोगों का जो एजिटेशनल मूड है, जो कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं देख रहा है, लोगों ने कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं देख रहा है, सरकार सब जो कुछ चाहता है वो कर जाता है, सो इसलिए कुछ भी हो सकते भविष्य में, कौन सा एक्सटेंट को भी जा सकते लोगों ने। सो इसलिए ये सूचना है, सिंबलिक है, गवर्नमेंट शुड बी कसास। आई हैव रिसीव्ड अ मैसेज इन विच इट इज रिटन, आई एम टोल्ड पास्को इज प्लानिंग टू टेक जर्नलिस्ट्स इन पारादीप, जगतसिंहपुर एंड भुवनेश्वर on a pleasure trip to Maharashtra and other places to win them over. Okay. So that is the message available with me. So इसलिए ये मैं request करना, appeal करना चाहता हूँ जो जितने भी media persons है जगतसिंहपुर district में और बाहर में अंदर में, ये सब properly react करना और पास्को invitation accept ना करें। और गोविंदपुर में, डिंकिया में एंटी पास्को मूवमेंट पर जो जबरदस्त दमन कर रहा है सरकार, उनको उनका खिलाफ आवाज़ उठाए।